इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे, विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। चल लग गई यार मिंडी, पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा, क्या कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत ये अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल
क्या कर रहा है तू? देख मुझे भी रुलाएगा आकाश।